मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई। मैंने बुलाया था क्वीन जैस्मिन को इस वर्ल्ड के अंदर गाइस मेरे इस एडवेंचर में मुझे ज्वाइन करने के लिए। एंड मैं सच बता रहा हूं तुम लोगों को, क्वीन जैस्मिन से पहले मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया यहाँ पर, आ जाओ मेरे साथ खेलो। एंड भाई कोई भी इंसान पूरे हिमलैंड्स के अंदर भाई राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई हिमलैंड्स के अंदर की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन वो चीज करना भी इंपॉर्टेंट है, बट यार सिर्फ और सिर्फ एक बंदी है जो कि क्वीन जैस्मिन, उसने मुझे बोला कि मैं आपके इस बहुत ही प्यारी सी जर्नी में मैं आपका साथ जरूर देने वाली। एंड देन गाइस उसने मेरे को ज्वाइन किया था यहाँ पे। एंड अभी लास्ट एपिसोड के अंदर गाइस उनके कहने पर मैंने यहाँ पर उनके लिए एक बहुत ही प्यारा जैसा एनिमल्स को रखने की एक जगह बनाई थी। एंड शी वाज क्वाइट इंप्रेस गाइस, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हालांकि गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था भाई मैंने यूट्यूब पे सब कुछ किया, प्रोनेस दिखाई है, नूबनेस दिखाई है, सब कुछ दिखाया यूट्यूब के अंदर, लेकिन सिंपनेस नहीं दिखाई थी, वो मैंने लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा दिखाई। और इस बदसूरत की हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई क्वीन जैस्मिन के घर के अंदर कदम रखने की? रुके एक बारी, मैंने साइड से जाकर इसको मैं दो फटके मारने वाला। तेरी ऐसी की तैसी इतनी हिम्मत तेरी, छेद कर गया भाई ये बंदा। माय गॉड, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना बदसूरत के लिए। आई मीन क्वीन जैस्मिन के एनिमल्स के लिए मैंने इस जगह को बनाया हुआ था, और इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कदम रखने की बदसूरत क्रीपर की? एक तो गाइस यहाँ पर जो टॉर्चेस वगैरह ना, इनको यहाँ से निकालना काफी ज्यादा जरूरी है, एंड अलग अलग जगहों पर लगाना काफी जरूरी है। एक ही जगह पे तीन तीन चार चार टॉर्चों को लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन हो जाते हैं। तो एक को मैं लगाऊंगा यहाँ पे, एक को लगाऊंगा मैं इस साइड के लिए, एंड जो बची हुई दो है ना गाइस इनको देखो मैं कहाँ लगाने वाला। एक यहाँ पिगी के पास लगाते हैं, और एक यहाँ चिकन्स के पास लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। और पर इस पर्टिकुलर जगह पे भी गाइस बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी एक लगा देते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, फिलहाल को गाइस सर्वर के ऊपर मैं अकेला हूँ, क्वीन जैस्मिन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, थोड़ी देर में वो आने वाले। उससे पहले काम करते हैं, नाइट वगैरह को स्किप कर लेते पहले ही। Let's go boys and girls, और अभी हम लोग यहाँ पर सो के उठ जाएंगे, एंड एक ब्रांड न्यू सुबह। आज गाइज मैं सोच के आऊँ, मैं सबसे पहले तो मैं क्वीन जैस्मिन से बातचीत करने वाला हूँ, देन उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि भाई उनको एग्जैक्टली और क्या क्या बिल्ड चाहिए इस सर्वर के ऊपर। एंड बाय द वे गाइज यहाँ पर मैंने फिलहाल को जो ये ब्लॉक्स है ना, ये मैंने खोदे वगैरह नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर गाइज क्या किया हुआ है, बहुत ज्यादा फार्मिंग करी, एंड क्वीन जैस्मिन हैज जॉइंड द गेम। कहाँ पर आई है जैस्मिन जी हमारी? हेलो, व्हाट्स अप, हाय, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। पिछले दो तीन दिन कैसे बीते आपके, बताओ जरा एक बारी। हाँ जी अच्छी हूँ मैं, चलो बढ़िया हो गया, आप अच्छे रहने चाहिए। एंड कैसा लगा आपको, सच बताओ आपने लास्ट टाइम पे, वैसे मुझे तारीफ तो करी थी, बट दिल से तारीफ करी थी ना पक्का यार, मतलब जो मैंने आपके जानवरों के लिए छोटा सा आशियाना बनाया, हालांकि मैंने उसके यहाँ पे गाइस डर्ट वगैरह से बनाना चाहता रहा लाइक नीचे का ये हिस्सा, बट डर्ट ना इतनी है नहीं फिलहाल को जैस्मिन जी, जब आगे चल के डर्ट्स वगैरह बहुत सारी आएगी ना, तो उस टाइम पे मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से भर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। मेरे दो एनिमल्स अभी भी बाहर है। ओ नो नो नो, सॉरी, एक्चुअली मैं लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि मैं ना इन दोनों के अंदर लेके जा नहीं पाया था, क्योंकि इनको अपने पीछे लालच दिलाने के लिए ना भैया हम लोगों को चाहिए होते वीट वगैरह, तो वो जो मेरे पास लास्ट टाइम पे थी नहीं, तो फिलहाल कोई आ चुकी है। तो गाइस मैं अभी एक काम करने वाला हूँ, जस्ट एक काम, अगर मुझे यहाँ पर मिलेगा, यस एग्जैक्टली मुझे इस चीज की जरूरत थी, यहाँ पर ना थोड़ा बहुत ये वेस्ट हो रहा है यहाँ पे ये ना, तो एक काम करता है इसकी जगह पर मैं यहाँ पे एक सेकंड होगा, आई थिंक यहाँ पर हमारी पानी की रेंज कम आ रही है। ओ ओ ओ, सच बोलना क्वीन जैस्मिन, आपने जिंदगी में पहली बार ये करे है ना, ये क्या बोलते हैं लाइक फार्मिंग का काम है ना, आज से पहले कभी आपके पिताजी ने कराया नहीं होगा आपको, आपके महलों के अंदर, बड़े बड़े महलों के अंदर। सो सॉरी यार, आपके यहाँ पे मजदूरों वाला काम करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं है, चलो आपको एक अलग एक्सपीरियंस दूंगा मैं इस वर्ल्ड के अंदर, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे इधर आ जाओ, देखो मेरे साथ कौन आ रहे हैं, आपकी काओ और आपकी शिपी शिपू, आजा मेरे शिपू शिपू, आजा मेरी कव कव। एक सेकंड, मुझे अभी जस्ट याद आया मेरे को ना एक्चुअली में अगर इनको अंदर कैप्चर करके रखना है तो भैया अपने को ये चीज सही होगी। चलो अजी मेरी कव कव, एक आ जा रही है शिप, अगर तू नीचे गिर जाती तो क्वीन जैस्मिन को बहुत दुख हो जाता, मुझे बहुत दुख हो जाता, मैं तो को नीचे वॉइड से खींच के वापस लेकर मारता। देखो भाई अभी यहाँ पर क्वीन जैस्मिन, जल्दी इसको अंदर लेकर आ जाओ आप, बहुत बढ़िया, बाहर आ जाओ आप एक बारी, आ जाओ बाहर। अब मैं यहाँ पर क्या करेगा इसको, अरे गलत लगा दे मैंने इसको, मैंने मुमू कहो बाहर मत आना प्लीज, लेट्स गो, हेलो इधर आ जाओ भाई, अब तुम दोनों को लालच दिया तो आपको भी खिला दूंगा,
एंड आपको भी खिला दूंगा, ठीक है ना। आपके मैंने दोनों के दोनों जानवरों का पेट भर दिया जैस्मिन, इधर स्मार्ट। हाँ हाँ, इधर इधर यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से। अरे नाइस नाइस कॉल, गुड कॉल जैस्मिन जी, गुड कॉल गुड कॉल। मैं तो भाई यहाँ पर मरवा देता एक्चुअली, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे एक बारी। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर भी मैं ये गेट लगा देता हूँ ताकि कोई जानवर अगर अंदर से स्केप करके तो बाहर ना निकले वो। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल के काम करते हैं, आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं, इन ब्लॉक्स को खोदना स्टार्ट करते हैं। देखते जरा क्वीन जैस्मिन जी, आई थिंक अभी हमारा वो सेकंड वाला स्टेज चल रहा है ना, वो मैं भूल गया इसका नाम यार, सेकंड वाले स्टेज का नाम क्या था। ये देखिए मैंने ब्रेड बनाया, अरे नाइस यार। सच बोलना, आपके पिताजी ने आपसे महल के अंदर ये सब कुछ नहीं करवाया था ना, लाइक ये फार्मिंग वगैरह हो गया, सीडी प्लेस वगैरह, एंड ये ब्रेड ब्रूड बनवानी है ना, ये आपके लिए कितनी यूनिक चीज है यार। एंड बाय द वे, अभी तक तो मैंने भी नहीं बनाया था भाई। नाइस, आप ब्रेड वगैरह खाओ, आपको ब्रेड वगैरह की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो कि मैं आपका इससे बेटर चीज में क्या ही खिला सकता हूँ आपको। हाँ, मैं आपको ये खिला सकता हूँ, ये लो थोड़े बहुत मैं आपको एप्पल्स वगैरह खिला सकता है ना, ये एप्पल आप खाओ एक बारी। मैं वादा करता हूँ आपको फ्यूचर में ना आपके लिए पक्का बहुत सारे गोल्डन अनचॉन्टेड एप्पल्स लेकर आऊंगा भाई, टेंशन वाली बात है ना, ठीक है ना। स्मार्टी ने बोल दिया तो भाई आप टेंशन मत लो। तो फाइनली गाइस, अभी हमारा यहाँ पे सेकंड फेज आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास फाइनली कबल स्टोन्स वगैरह ने स्टार्ट हो चुके हैं। आ जाओ सुनो जैस्मिन जी, मैं काम करता हूँ ना आपके लिए यहाँ पर। बाय द वे गाइस, अभी एक और बहुत ही क्यूट सा पिगी यहाँ पर स्पॉन हुआ है। जैस्मिन जी आप एक काम करो ना, इधर आओ यार, मैं आपको काम देता है बहुत तगड़े वाला, ठीक है ना। ये काम करके आपको बहुत मजा भी आएगा। लो अंदर यहाँ से आप कैरेट्स निकाले, एक बार अंदर एक कैरेट्स पड़ी हुई चेस्ट के अंदर, और इतनी सारी नहीं एक आधी कैरेट निकालो, और इस पिगी को लेकर आप जाओ जरा अपने फार्म के अंदर। देखो पिगी कितना खुश होता है आपके पीछे, देखो कैसे आएगा, देखो यो। आपको पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट पिगी को ये पसंद है बहुत ज्यादा, इनको आप अंदर लेकर जाओ, बट मेक श्योर करना कि दूसरा वाला पिगी बाहर ना आ जाए गलती से, है ना, प्लीज ओके। और मैं तब तक ऐसे काम करता हूँ यहाँ पर, आराम से खोदता हूँ और जितने ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स निकाल कर, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ ना गाइस, खुद को अपग्रेड वगैरह मैं करना स्टार्ट कर ही देता। मेरे पास एक तो जगह क्यों नहीं है भाई, मेरी इन्वेंटरी में जगह क्यों नहीं है भाई, मैं करके आ रहा हूँ ये जिंदगी में। मेरे के फालतू के ब्लॉक्स वगैरह इतने सारे पड़े हुए कि क्या ही बोलूं मैं। अरे स्मार्टी जी, क्या हो गया क्या हो गया, आर यू ओके जैस्मिन जी, क्या हो गया, हेलो ये पिगी बाहर। अरे कोई बात है, एक काम करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सुनो मैं लेके जाऊंगा उनको, आप अपने हाथ से हटाओ उसको, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ रुको, मैं आपको सिखाता हूँ। इनको पहले हम लोग अंदर लेके जाएंगे, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही अंदर आएंगे, जैसे अंदर आएंगे फिर अपने हाथ से स्विच कर लो, दैट्स इट, और दरवाजा बंद, दोनों पिगीज अंदर। अब देखो यहाँ पे एक जाओ दिखाओ मैं आपको, पीछे घूम जाओ एक बार, ठीक है ना, बस ऐसे ही रहना, घूमना मत मेरी साइड को, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। गाइस अभी अगर आप चौंकोगे तो सभी के सभी लोग लाइक मारने वाले, आप पहले ही लाइक गेम बता कर रखो कितना होगा, कितना लाइक गेम चाहते हो आप, जो आप बोलोगे वो होगा 169K लाइक्स, आर यू श्योर अबाउट दैट, पक्का ना, पक्का, ठीक है अभी देखना क्या होता है यहाँ पे। तो ठीक है मैं अपना काम यहाँ पे भी करने वाला हूँ, बस मुझे 2 सेकंड का समय चाहिए गाइस, और इसी के साथ लेट्स गो। यहाँ देखो जैस्मिन जी, पीछे घूम जाओ, अंदर देखो, ये देखो यहाँ पे छोटू को देखो, अंदर कितना क्यूट है अंदर आ जाओ आप, ये थर्ड वाला है कितना क्यूट है, कहाँ से आया, अरे यही तो बात है, यहाँ देखो ना आप एक बार, यार क्यूट है ना बहुत ज्यादा ये वाला। आप खेलो, आप एक काम करो, आप अपने पिगूस के साथ खेलो तब तक, और मैं थोड़ी सी मजदूरी करके आता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मेरे को ही इस वर्ल्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू बिकम द ऑफिशियल मजदूर गाइस। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वीन जैस्मिन से इस वर्ल्ड के अंदर मजदूरी तो नहीं करवा सकता भाई। तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, खुद को ना थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, एंड अपग्रेड करने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगा, एक तलवार बना के रखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। एंड बाय द वे, ये जो ग्रास ब्लॉक है ना मेरे इन्वेंटरी में, लास्ट टाइम पे मुझे एक चेस्ट के अंदर मिला था, जो यहाँ पे स्पॉन होती है सामने, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि मैंने क्रिएटिव से निकाला है, कई लोग होते जो इल्जाम लगा देते डायरेक्ट, है ना, तो वो बुरा हो जाएगा। ओ आयरन आ गया, ओ माई गॉड, लेट्स गो। बाय द वे What the hell? इतना सारे ब्लॉक्स अपने आप ही टूट गए सारे के सारे यार, मैं हैरान ही हो गया भाई अभी एकदम से। अच्छा हाँ, मैं कह तुम लोगों को बोलते हैं, देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, मैंने ना यहाँ पर ना बहुत ज्यादा लाइक ऑफलाइन जाके मैंने इतने सारे पेड़ वगैरह खोदे गए नीचे। स्मार्टी जी मेरा घर आप कब बना रहे हो? अरे रुको, सुनो, बहुत जल्द, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको अभी बताता हूँ। एंड आपने बाहर मत निकलना, सुनो बाहर मत निकलना, ऊपर देखो, वहां देखो ऊपर सारे के सारे बदसूरत स्पॉन हो चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से। ओ माय गॉड, देख रही हूँ, डर रही है ये, देखो भाई फट गया सीधे बातें, डर मत डर, आपने देख लिया उसको? नहीं, मैं बचाऊंगा आपको, आप टेंशन मत, मैं बचाऊंगा आपको। नो, अंदर आ गई, भागो, बाहर भागो। ओ माय गॉड, सो सॉरी जैस्मिन जी, कहाँ गए? सॉरी, मैंने गलती से, सुनो यार, मैंने आपको बचाने के लिए अंदर इसके, यानी इधर आते, यहाँ देखो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, देखो ये छुटकू है ना बदसूरत, ए कहाँ जा रहा है, इधर तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी,
क्वीन जैस्मिन को डराएगा तू? तेरी तेरी हिम्मत हमारे होते हुए तू यहाँ पे क्वीन जैस्मिन को डराएगा? भाग जाए यहाँ से। वो एक्चुअली जैस्मिन जी मैं ना यार अंदर आ रहा था ऐसे करके ना, वो अंदर ही घुस गया, सॉरी यार। भाई आप वापस से पिग्स के पास जाओ, पिग्स के पास ज़ारा सेफ है एक्चुअली, मैं छोटी जगह है ना तो वहाँ पे ज़ारा कोई आ नहीं सकता है। भाई साहब मेरे गलती से हो गया था भाई, मैं भी ना गलती से क्वीन जैस्मिन के ऊपर हमला करवा दिया यार उसका। ओ माय गॉड। यो जैस्मिन जी ये देखो, यहाँ देखो जल्दी, पीछे देखो रेड काओ, इसकी पूजा करते हम। अरे आप इसकी पूजा करते, आ जा अंदर आ जा। अजमेरे काओ का एक सेकंड रुक जा भाई, यहाँ पीछे एक मर्डरर आ रहा है, मेरे को मारना चाहता है। देखो यहाँ पे जैस्मिन जी, देखो आप देख रहे हो स्मार्टी कितना स्ट्रांग है, ये मेरे को मारने आया है मकड़ा और मैं इसको मार दूंगा, ठीक है? हूं ना मैं खतरनाक एकदम, क्या बोलते हो आप? हमें कोई नहीं हरा सकता है। अजमेरे काओ इग्नोर करिए भाई मेरे को, क्या ही है? आप बहुत स्ट्रांग हो, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। जैस्मिन को लग रहा है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट भाई ये तो एक मकड़ा तो सिंपल सा। अरे जैस्मिन जी आप जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ। आप सुनो अब यहाँ पे रात हो रही है, मेरे को एक बार सो के आना पड़ेगा भाई, ऊपर बहुत सारे स्केलेटन्स हैं। मेरे को ना एक्चुअली में डर लग रहा है यार, स्केलेटन्स के हत्ते में मर तो नहीं सकता गाइस। हाँ मैं तुम लोगों को गाइस बोल रहा था, मैंने यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करी थी, लाइक बहुत सारे पेड़ वगैरह खोद के मैंने बहुत सारे ये लॉग्स वगैरह निकाले, एंड उसी बीच गाइस इतने सारे ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन हुए यहाँ पर। यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ पे चार इंगेट मुझे ऑलरेडी मिल गए थे, तो एक काम करते हैं ना, अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं अपने लिए सबसे पहले वन ऑफ द मेन थिंग्स बना देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एवर, जो कि है गाइस एक शील्ड। एंड अभी इस शील्ड के दम पे मैं ऊपर जाऊंगा और इन सब के सबको भगाने वाला मैं। आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा, तू तो आ जा पहले। नो बहुत सारे हैं। चल नीचे गिरा दूंगा इनको मैं नीचे गिरा दूंगा वरना सीन हो जाएगा। ओ शिट, एक रिपर फटेगा तो सब मरेंगे। नो भाई साहब बच के स्मार्ट। हां जी हां जी मैं बच के करूंगा, एक आखिरी बचा है। तू तो मेरे को भाई अगले जन्म तक नहीं मार पाएगा। नो बच गया। ओ माय गॉड, बट जैस्मिन जी मुझे क्या लूट मिली है यहाँ से, ओके दिस इज गुड एक्चुअली गाइस। मुझे यहाँ पे दो ही बोन्स मिली है भाई, मैं क्या लूट की बात कर रहा हूँ यार, दो बोन्स मिली है मेरे को सिर्फ और सिर्फ। एंड बाय द वे मेरे को अभी यहाँ पे इसको बनाऊंगा नहीं कि गाइस मुझे इसकी जरूरत है अभी। मैं गाइस एक बार यहाँ पे सो जाने वाला हूँ, ठीक है ना, एक बार सो जाते हैं, सुबह करते हैं। एंड मेरे पास एक आइडिया है जैस्मिन जी, इधर आओ यार। मरवल की आप मेरे पास आओ, मत वहीं रहो, मैं आता हूँ आपके पास। ये जो बेड है ना, इसको ना आप यहीं पे लगा दो एंड आप सो जाना, ठीक है ना। लो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया, यहाँ पे आप सो जाना इसके बाद, क्योंकि जब आप सोएंगे यहाँ पे एकदम से सुबह वगैरह होती रहेगी, जिससे क्या होगा हम जिंदा रहेंगे भाई, मैं मरना नहीं चाहता यार। बाय द वे गाइस जितने भी एप्पल्स वगैरह मैं बचा सकता हूँ, मैं तुम लोग दिखाता हूँ, देखो ऑलमोस्ट 58 लोगों तो ऑलमोस्ट 2.5 stacks एप्पल के भाई साहब, हम लोग यहाँ पे गोल्डन एप्पल की खदान बना देंगे, सारे के सारे गोल्डन एप्पल मैं क्वीन जैस्मिन को देने वाला फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई मैं अभी बस यहाँ पे ये करने वाला हूँ। एंड ओ वो ग्रेवल गिरी है बहुत सारी नीचे, वही मैं सोचूं हो क्या रहा है, वो जो इतने सारे ब्लॉक नीचे छूटे गए वो ग्रेवल वाले ब्लॉक्स है। ओ ये देखो भाई मैं बेवकूफ एक नंबर का गाइस, सारी ग्रेवल वेस्ट हो रही है। ग्रेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली में गाइस, ग्रेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रुको एक सेकंड, आई हैव अ प्लान गाइस। यहाँ पर मेरे को ना नीचे के लिए ये वाले ब्लॉक्स यूं लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना ये ग्रेवल की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, ग्रेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एंड गाइस ये देखो मुंह के सामने हमारे आ रहे हैं बहुत सारे आयरन वगैरह, एंड आई थिंक धीरे धीरे करके गाइस हम लोग ब्लॉक्स वगैरह तो खोदते रहेंगे ना इसके बाद। जैस्मिन जी आप इधर आ गए हो, यार ये बहुत लकी है, आपकी नजरें बहुत ज्यादा लकी है। सुनो जैस्मिन जी लो एक पकड़ो और इसको लेके जाओ, मुम्मू काओ को लेके जाओ, मुम्मू काओ जाओ, अरे मेरे हाथ पे बेरुको, सॉरी, जाओ इसको लेके जाओ, जाओ इसको लेके जाओ, ये लेट्स गो। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ गाइस, फिलहाल को मेरे पास बहुत सारी बोन व्हील्स आ चुकी है यहाँ पे, तो मैं ना इसको उगाऊंगा एक बार, इसको तोड़ एक बार भाई साहब। एंड आई जस्ट वांट टू चेक वन थिंग गाइस, ये जो मुम्मू काओ है हमारी, क्या हम लोग मुम्मू काओ को जब पैदा करवाएंगे दो को तो क्या होता है? आइए एक सेकंड आओ जरा। क्वीन जैस्मिन जी अभी आप फिर से बाहर जाके एक बार पीठ घुमाइए ना, अभी देखो मैं आपको एक और जादू दिखाऊंगा, ठीक है ना? अगर आप चौंके तो भाई मैं क्या बोलते हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकता हूँ मैं, हैं? पक्का ना, घूम जाओ फिर आप। चलो अभी देखो आप यहाँ पे गाइस, अगर क्वीन जैस्मिन चौंकती है तो भाई आप सभी के सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेट्स सी जब दो मुमू को मिलती है तो क्या होता है। ओह माय गॉड जैस्मिन, जल्दी आओ,
जल्दी आओ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है आपको क्या? कुछ भी अलग सा यहाँ पे कुछ दिखा आपको क्या? कुछ बहुत ही क्यूट या कुछ बहुत ही अलग, जो भी आपको दिखा मुझे बताओ जरा। छोटू रेड मुमु का ओ, लेट्स गो। आप एक काम करो, आप खेलो इन सबके साथ, मैं थोड़े से और ब्लॉक्स खोद के आता हूँ। एंड ओ सुनो 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 यू, आपको आपका घर चाहिएगा? मुझे एक बात बताओ पहले, लेकिन इस इलाके में कहां पर आप चाहते हो आपका घर बने? लो दरवाजा खोलता हूं, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आप मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर भी आप चाहते हो, वहीं वहां मैं आपके लिए बहुत तगड़ा सा घर बनाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ यहां से बाहर आ जाओ। किधर को आप चाहोगे कि मैं आपके लिए घर बनाऊं, मुझे फटाफट बता दो यार, हुक्म दो आप स्मार्टी पाए को, बाकी आप देखो भाई। मैं तब तक, जब तक ऐसे डिसाइड कर रहे हैं, मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह और खोद कर रखता हूं यार, ये ब्लॉक्स को खोदना पड़ा हुआ है। फार्म के बगल में, वेट कौन से फार्म? ओह गाइस, स्प्रूस सैपलिंग मिली है, मेरे को फैदर भी मिला है, फैदर भी काफी ज्यादा जरूरी चीज है। बाय द वे गाइस, है ना, एक सेकंड रुको, मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा है इन सबको मैं ऊपर रख देने वाला हूँ। जैस्मिन जी, फार्म कहाँ पे आप मुझे बताओ एक बारी, कौन से वाले फार्म की आप बात कर रहे हो? वहां पर मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मेरे पास कुछ बहुत ही फालतू के ब्लॉक्स पड़े, जैसे कि ये और ये, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये एनिमल फार्म की बात कर रहे हो अपनी? ओके वेट करो वेट करो वेट करो, डन 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 डन, मैं इसके बगल में बनाता हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ आपको क्वीन जैस्मिन जी, मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था कि मैं आपके लिए जो घर बनाऊंगा ना, देखो एनिमल फार्म तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा लग रहा है, इस इलाके में एनिमल फार्म आई थिंक गाइस बहुत बेटर लग रहा है। जो मैंने आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ ना जैस्मिन, इधर आओ, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग और बड़ा करेंगे ऊपर के लिए, एंड देन यहाँ पर बनाओ। क्यों, आपका महल ज्यादा हाइट में रहना चाहिए? मैं तो अपने लिए कहीं भी बना सकता हूँ, है ना, बट आपका महल ज्यादा हाइट में रहना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोलते हो आप, इसी इलाके को और बड़ा कर लेता हूँ यार मैं, बहुत बढ़िया लगेगा फिर यहाँ पे शायद से। व्हाटएवर यू से आई विल डू, यहाँ तो होल है। अरे 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 कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप पीछे आ जाओ एक बारी, आप एक बारी पीछे आ जाओ, मैं इसको एक बार यहाँ पे ठीक करता हूँ अभी। ऑल राइट, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जैस्मिन जी आप बहुत ज्यादा एज पे खड़े हो भाई, आप पीछे हो जाओ। क्वीन जैस्मिन आप आगे मत आओ प्लीज, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर गलती से भी आप नीचे गिर गए तो। भाई इस इलाके पे आपके गिरने का कोई चांस कहाँ गई? अरे भाई डरा दे, मेरे को लगा नीचे गिर गई थी, अभी यहाँ पर खड़ी थी भाई एक सेकंड पहले। जैस्मिन यार आप मेरे को ऐसे हार्ट अटैक मत दो यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये चीज के लिए मैं काफी सीरियस हूँ भाई। चलो गाइस एक काम करते हैं, अब यहाँ से ऊपर के लिए मैं आई थिंक इतना और बढ़ाने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है गाइस ज्यादा हाइट में, लाइक जितनी ज्यादा हाइट में मैं इनका महल बना सकता हूँ, क्योंकि ये वाला वर्ल्ड हमारा बहुत बड़ा बनने वाला है, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बिल्ड करने हम लोगों को, तो आई थिंक जितना ज्यादा हाइट में इनका हो सकता है, बट ज्यादा भी नहीं कहेगा इस, क्योंकि ना अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, है ना। और मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, मैं पूरा का पूरा नौकरों वाले काम करने वाला हूँ यहाँ पे, हाँ इतना काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना बेस्ट लगने वाला। चलो अब यहाँ पे काम करते हैं स्टेज को, अभी तो फिलहाल क्या है मैं नॉर्मल से स्टेज बना रहा हूँ, लाइक ऐसे नॉर्मल से प्लैंक्स के साथ, बट फ्यूचर में मेरा प्लान है यहाँ पर मैं प्रॉपर स्टेज लगाने वाला हूँ। लाइक अभी मेरे पास ऑलरेडी यार इतने सारे ब्लॉक्स तो आ चुके, लाइक मैंने बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करी ऑफलाइन जाकर इन पेड़ों की, मतलब तुम लोग चलो 70-80 पेड़ खोदे मैंने कम से कम, फिर उनके उगने का वेट भी किया है मैंने, तो उससे मेरे को ना बहुत ज्यादा प्लैंक्स वगैरह आ तो चुके, लाइक लॉग्स वगैरह आ तो चुके, बट ठीक है यार फिलहाल को मतलब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो चलो गाइस इतनी हाइट आई थिंक काफी होगी। जैस्मिन जी कहाँ हो आप, देख रहे हो कैसे लगेगी इतनी हाइट में आपकी, आपका महल या इससे भी ज्यादा हाइट में ढेलना, तो आप बोलो मेरे को और हाइट में ले जाऊंगा मैं, क्या बोलते हो? इतना काफी है, डन डन जैस्मिन डन। क्वीन जैस्मिन ने बोल दिया तो हम लोग इतना ही रखेंगे इसको। मेरे को बस अभी एक काम करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर गाइस एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप बना रहा हूँ, तो मेरे को ना ब्लॉक्स वेस्ट नहीं करने, तो लेट्स डू वन थिंग, अपने लिए हम लोग क्या करने वाले गाइस, यहाँ पर ये स्लैब्स बनाने वाले हैं, तो स्लैब्स के साथ तुम्हारा भाई यहाँ पे अब इस प्लेटफॉर्म को ऐसे करके बड़ा करेगा, यूं करके, है ना। मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा इतना ऊपर जाते हुए। ओके ओके आप टेंशन मत, अरे जैस्मिन जी आप टेंशन मत लो, आपके लिए तो मैं एक स्पेशल एलिवेटर भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, अगर आप बोलोगे तो। फिलहाल को मेरे को लग तो रहा है कि ज्यादा हाइट हो जाएगी इसकी ना यार, तो अगर ज्यादा हाइट होगी तो यार सच में इसको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको इतना ही हाइट का रख के यहाँ पर, पहले तो मेरे को सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स मैंने बाहर के लिए निकाले हुए, तो इधर के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से गाइस मैं इसको ना ऐसे करके बनाना स्टार्ट करूंगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, दैट्स इट। अब ऐसे करके बस मैं इसको गाइस फटाफट गोल बना के आता हूँ बहुत तगड़ा सा, एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओ क्वीन जैस्मिन हैज मेड द एडवांसमेंट मॉन्स्टर हंटर, भाई आप तो निकले बहुत तगड़े वाले बंदे यार, आपने तो मतलब, एक सेकंड रुको मैं आपको एक चीज देता हूं, इधर आओ जैस्मिन, इधर आओ, ये क्या फालतू की स्वॉर्ड आपने पकड़ी हुई अपने हाथ में यार, इधर आओ इधर आओ, चेक दिस आउट, इधर आओ, मैं आपको देने वाला हूँ अभी एक ब्रांड न्यू स्टोन की स्वॉर्ड, उस दूसरे वाले को मेरे को दे दो आप।
ये वाली आप मेरे को पकड़ा दो एंड दूसरे वाली आप अपने लिए रखो, ठीक है ना भाई? एंड यस गाइज, ये अच्छा लग रहा है। आई मीन इसको ज्यादा ही बड़ा बन गई, बट आई थिंक गाइज यहाँ पर मजा आएगा। देखो ना इतना ऊपर जाके, ओ भाई साहब, बस अब इस पूरी की पूरी जगह गाइज मैंने बस फेल करना है ऐसे करके। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ उसके बाद भाई। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सा महल बनने वाला है। स्मार्टी जी, आपने तो बहुत बड़ी जगह बना दी है। अरे क्वीन जैस्मिन, आपके लिए मैं बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ, आप अभी देखो। आप टेंशन मत लो भाई, आपका कारीगर यहाँ पर हाजिर है। मैं बस यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या बोलेंगे इसको, लाइक कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा हूँ। मुझे ना एक बार बस ये देखना है कि मेरी एंट्रेंस कहाँ है। मैंने यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ कर दूंगा क्वीन जैस्मिन जी, फिर मेरे को दुख हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मेरे को ना बस इन दोनों को, एक को यहाँ रखता हूँ और एक को यहाँ रखता हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि एंट्रेंस ही वाली साइड है। क्योंकि ऐसे मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ, मैं यूं घूम जाऊँ ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर एंट्रेंस है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है क्लियरली, एंड आई थिंक मेरे को ब्लॉक्स वगैरह लेकर आने चाहिए थे। चलो गाइस अब ये काम करते हैं। तो देखो जैस्मिन जी, मैंने सोचा हुआ है कि आपका जो ये घर बनेगा ना, उससे फ्रंट में एक यार्ड होना चाहिए, यार्ड ठीक है मुंह के सामने। तो उसके लिए भी थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक मैं यहाँ पर कहीं से स्टार्ट करने वाला, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। एंड ओवरऑल देखो आप कितना बड़ा घर मैं आपके लिए बनाऊंगा अभी, ठीक है ना। देखो अभी आप ब्लॉक्स नीचे निकाल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देख रहे हो आप, इतना बड़ा घर बनाने वाला मैं। आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा जी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत मेहनत कर दूंगा आपको। वैसे नहीं यहाँ पे घूमने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, आप थोड़ा जाओ अरे परे यार, थोड़ा गेड़िया गुड़िया मारो, अपने जानवरों के साथ खेलो आप यार। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके इस बिल्ड को कम्प्लीट करने की ट्राई करता हूँ, पर मैं वहां जाकर बोर हो जाऊंगी। अच्छा आप ही के साथ रह लेते हो, ठीक है। देखो आप मेरे आसपास रहोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। आप एक काम करो ना, आप सेंटर में जाओ, यहाँ पे आप फील लो, इस घर की फील लो, आप सेंटर में खड़े हो जाओ आप। और मैं एक बारी क्या करता हूँ, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ मैं अच्छे तरीके से। तो गाइस मैंने 19 का एक साइड था, आई थिंक 15 का मेरे को एक साइड बनाना है। तो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओ ये सेंटर में नहीं है भाई, ये सेंटर में नहीं बना एक्चुअली। मैं भी आपकी मदद करती ना। ओ आप मेरी मदद करना चाहते हो सीरियसली? बट यार आप क्वीन हो यार, आप क्वीन जैस्मिन हो, मैं क्वीन जैस्मिन से काम कैसे कर रहा हूँ यार। इसकी शक्ल देखो भाई, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी शक्ल है यहाँ पर मजदूरों वाला काम करने के लिए। बट आप पक्का मेरे से काम करना चाहते हो ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? है डन है। अब एक सेकंड रुको, फिर मैं बस एक चीज देखने वाला, ये सेंटर में नहीं है, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक का गैप यहाँ पर है। एंड अगर गाइज मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 का यहाँ पर, मुझे 2 ब्लॉक इधर के लिए खिसकाना पड़ेगा इसको। तो जैस्मिन जी लेट्स डू वन थिंग, मैं बस अभी एक सेकंड रुको, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बाहर का आउटलाइन स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, बाकी फिर मैं आपसे भी कराता हूँ साथ में काम, क्या बोलते हो आप? पर देखो जी ऐसा है, फिर आपने लास्ट में बोलना नहीं कि यार एक क्वीन से काम करवा रहा है, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली फिर बुरा लग जाएगा यार, बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। अब चले आप एक काम करो ना, ये वाले ब्लॉक्स आप खोदो पीछे के, जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है ये आप निकाल दो, फिर है ना क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ पर आएगा ये, आई थिंक इतना काफी है। एंड अब यहाँ से बस गाइस पीछे के लिए लेके जाना मेरे को इसको, और जैसे ही मेरे ये सारे के सारे ब्लॉक्स लग जाएंगे, हमारा जो क्वीन जैस्मिन जी आउटर पार्ट है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब बस मेरे को ना थोड़े बहुत ये जो ब्लॉक्स है इनको मेरे को और यहाँ पे कन्वर्ट करना है प्लैंक्स में, एंड दैट्स इट। और पीछे के लिए भी बन गया, आई थिंक ऐसा ही, ये थोड़ा सा ना ऐसे चपटा ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को भी, बट तुम लोग टेंशन मतलब अभी डिटेलिंग मैं इसमें ऐड करूंगा ना, तो उस वक्त तुम लोगों को ये वाला घर बहुत तगड़ा लगने वाला है, ठीक है ना क्वीन जैस्मिन जी। ये आगे आपके बाहरी घर का आउटर स्ट्रक्चर। आपने एक बात बताओ, आपने कभी जिंदगी में ऐसे लाइक घर वगैरह बनते हुए देखे क्या मुंह के सामने? नहीं ना, आप तो लाइक महलों में पैदा हुए हो, महलों में ही पले बड़े हो हमेशा से यार, दैट्स व्हाई आपको कितनी क्यूट है भाई, अंडे को देख रही है। ओह माय गॉड यार। ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो ना क्वीन जैस्मिन जी, यहाँ से हमारी एंट्रेंस बन रही है घर के अंदर जाने की ना। इनफैक्ट मैंने थोड़ा गलत बना दिया यार, एंट्रेंस इसकी यहाँ राइट साइड के लिए बनने वाली है। ओके तो एक काम करते हैं, 3, 4, 5 ये वाला हमारा ब्लॉक है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। जैस्मिन जी आप मुझे वो पकड़ा दो, क्या बोलते हैं एक्स जो मैंने आपको दी थी, मुझे उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी इसको यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चलो भाई लोग। और मेरे को यहाँ पर इसको भी तोड़ना है, इसकी जगह मैं इसको लगाने वाला, और यहाँ पर गाइस अगेन व्हाट आई एम गोना डू इज इसकी और इसकी सीध में यहाँ पर एक और लगेगा। तो देखो गाइस यहाँ पर हमारी एंट्रेंस बनेगी, और ये वाला जो हिस्सा है ना जैस्मिन जी, यहाँ देखो आप ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर मैं प्लैंक लगा रहा हूँ अभी, ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी ऐसे छोटी सी बालकनी जैसी बनने वाली है फ्रंट यार्ड में। कैसी लगेगी बताओ मेरे को, अच्छी लग रही है ना? है
लेट्स गो। इनफैक्ट यार मैं ना ब्लॉक्स वेस्ट कर रहा हूँ। रुको जैस्मिन जी, मेरे पास एक आइडिया है। ये जो मैंने अभी यहाँ पर ब्लॉक्स लगाए, मैं इनको तोड़ने वाला हूँ। जो अंदर वाले ब्लॉक्स है इनकी जगह पे ना प्लैंक्स, क्लैंक्स की जगह पे स्लैब का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा हमारी यू नो बचत होगी। अदरवाइज बहुत सारे पेड़ खोदने पड़ेंगे, फिर आपको पता है यार। मैं ब्रेड लाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, ब्रेड लेकर आ जाओ आप। मेरे लिए भी थोड़ा बहुत ब्रेड्स बना के ला दो आप यार। ओ माय गॉड भाई, मैं से नौकरानी वाले काम करा रहा हूँ क्या? ये मेरे खाना बना के लेकर आएगी यार क्वीन जैस्मिन है भाई ये। मुझे काफी दुख हो रहा सोच के इस बारे में, बट क्या ही करे यार, खुद ही बोल रहे तो यार कर दो यार काम। मतलब अच्छी बात है भाई, काम तो करना चाहिए है ना, खुद का काम। तो चलो गाइस मैं फटाफट यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, यहाँ पर हमारी फ्रंट यार। इनफैक्ट गाइस मैंने ना इसको पहले नहीं लगाना चाहता यार, पहले मेरे को ना इसे आउटर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था पूरा का पूरा। मैं काम करता बाहर की सारी की सारी दीवारें पहले खड़ी करते गाइस, एंड देन उसके बाद हम लोग ये फ्लोरिंग का काम करेंगे। क्योंकि फ्लोर ए शिट डूड, मेरे को फ्लोरिंग किसी और ब्लॉक से लगानी है, दूसरे टाइप के पेड़ के ब्लॉक से मुझे फ्लोरिंग करनी है, तभी तो कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा। इसको तोड़ते फटाफट। मुझे मेरे पुराने गाइस दिन याद आ रहे हैं, आज मैं वन ब्लॉक वगैरह खेला करता रहा, एंड जब मैं यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाया करता रहा। आई मीन बहुत मजा आता रहा उस टाइम पे यार, सीरियसली मैन। इसी के साथ गाइस हम लोगों ने यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, एंड यहाँ ओ माय गॉड, ये केक आपने मेरे लिए बनाया क्वीन जैस्मिन? ब्रो आर यू अ शेफ? आपको शेफ का काम भी आता करना? ओ माय गॉड, देखो कितनी क्यूट है, काऊ के साथ खेल रही है। हेलो काऊ काऊ, डोंट टेल मी कि एक और काऊ स्पॉन हुई है वहां पर। एक और काऊ स्पॉन हुई क्या वहां पर? ओ माय गॉड, रुको मैं आपका केक एक बार टेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे ना बस ये वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड मैं अपने लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही मजदूरी कर रहा हूँ ना आपके पास आगे। शायद से ब्रेड, एक ब्रेड दे दोगे आप मेरे को एक्स्ट्रा प्लीज? हाँ जी, थैंक यू सो मच। काफी काफी इतनी ब्रेड्स काफी होने वाली है। बस अभी आप देखो यहाँ पर कितनी अजीब सी बात है ना गाइस, लेकिन एक बंदा एक साइड इतनी मेहनत कर रहा है और एक साइड देखो यहाँ पे है क्वीन जैस्मिन को गाय को लेकर आ रही है, भूल मस्ती मजाक कर रही है, और यहाँ पर साइड में केक बनाया जा रहा है। आई मीन काफी ज्यादा स्वीट जेस्चर है वाला इनका, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड अभी इनका घर बनाते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ना गाइस बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाला है। पर अभी ना मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कैसे करूंगा भाई साहब। लाइक ये कुछ ज्यादा ही हाइट में ना, यहाँ पे मेरे को ना सीढ़ियां लगानी पड़ेगी बाय द वे, तभी ये बढ़िया हो सकता है गाइस। उसके अलावा ना ये उतना अच्छा अदरवाइज लगेगा नहीं मेरे को, मतलब सीढ़ियों के स्ट्रक्चर पे ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं बस गाइस अभी एक और चीज करने वाला, मेरे को ना बस यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन्स वगैरह की जरूरत है। स्टोन आ जाए, स्टोन आ, शाबाश। क्योंकि जब स्टोन आएंगे ना तो आगे की बिल्ड्स में मेरे को स्टोन का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वैसे तो गाइस यहाँ पर मैं कबल स्टोन का वो भी बना सकता हूँ, लाइक कबल स्टोन जनरेटर। उसके लिए लावा की बकेट की जरूरत है, लावा की बकेट है भी नहीं है मेरे पास फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पर एक और काऊ आई है। काऊ काऊ थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, कम ऑन कम ऑन। अरे अरे जैस्मिन जी सुनो, आप ले जाओ काऊ को, ले जाओ आप यहाँ से। ये काऊ यहाँ पर नहीं तो ना बीच रास्ते में खड़ी रह जाएगी मेरे पास, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत मेरे को। आप एक काम करो ना, काऊ को ले जाओ यहाँ से। मैं तब तक थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह खोदता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में गाइस अभी जरूरत पड़ने वाली है। वेट अ सेकंड, इसके अंदर क्या आएगा? ओ स्प्रूस सैपलिंग्स वगैरह इसके अंदर, नाइस। स्प्रूस की सैपलिंग की वाइज काफी ज्यादा अच्छी है। अब मैं यहाँ पे ना, क्योंकि स्प्रूस के जो पेड़ होते हैं गाइस काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनसे भी अलग टाइप की वुड्स निकलती है, सो दैट्स व्हाई लाइक बिल्ड्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा काम आएगा मेरे। एंड मेरे को सच बताऊं गाइस, मेरे को ना कोल की जरूरत है भाई, कोल नहीं है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि चलो मेरे को कोल की जरूरत भी नहीं है फिलहाल। भागो, मैं मारूंगा इनको, टेंशन मत लो, मैं इधर ही हूँ। ओ माय गॉड, जाओ जाओ पिगी के पास, अंदर आओ। ओह भाई कितना डर गई है, वहीं रहो चिकन्स के पास रहो, ठीक है ना। हेलो, ये देखो भाई बेचारी कितना डर गई भाई, इसकी किस्मत खराब है। जैसे ही ये यहाँ पर आई उसी टाइम पर दोनों के दोनों स्पॉन हुए। ओह माय गॉड भाई, आई एम सो सॉरी यार, मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गाइस। व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को यहाँ पर अपने लिए एक फर्नेस निकालता हूँ नीचे, एंड फर्नेस को यहाँ पर कहीं पर लगाकर कबल स्टोन्स को स्मेल्ट करने के लिए लगा देते हैं। एंड मैं यहाँ पर अभी गाइस कोल को वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं कोल यहाँ पर डाल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड ओ वेट,
वेट, कोल तो मैं अभी बना दूंगा भाई, टेंशन की क्या बात है, टेंशन की क्या बात है भाई। इधर आओ, मेरे को बस यहाँ पे तुम लोग 9 कबल स्टोन्स और चाहिए गाइस, एंड इन 9 कबल स्टोन्स के साथ एक और फर्नेस बनाकर इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डालते हैं और इससे मैं चारकोल बना दूंगा बहुत सारे। अब चारकोल गाइस क्यों बनाने जरूरी है, क्योंकि गाइस चारकोल के साथ हम लोग यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह बना सकते हैं भाई। टॉर्चेस की जरूरत है फिलहाल के लिए इस वर्ल्ड के अंदर, हर जगह पे नहीं तो मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे रात होती है फिर दिक्कत हो जाती है, और फिर क्वीन जैस्मिन दोबारा डर जाती है यार। सॉरी क्वीन जैस्मिन जी, सॉरी, है ना, आप डरो मत, मैं इधर ही हूँ। सुनो ना, आप ऊपर जाके करो काम खत्म अपना, आप केक वगैरह बना रहे थे ना, उसको आप और अच्छे से बनाओ, जाओ जाओ जाओ, क्या बस। तो वैसे करके अरे 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 भाई 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 ओ भाई, मैं नीचे गिरने वाला था, पकौड़े मेरे सारा का सारा सामान यहाँ पे वेस्ट हो जाता अभी और इसी वक्त। ऐसा मारूंगा ना तुम लोगों को, टोपा पहन के आए ऊपर से। ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर खड़ा था गाइस, यहाँ पर। ओ शिट डूड, अगर मैं मर जाता तो दिक्कत हो जाती भाई, मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है मेरे इन्वेंटरी में, फिलहाल को मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता उसको वेस्ट करने के लिए। चलो गाइस, यहाँ पर अभी 11 स्टोन्स बन चुके, इसको और डाल देते हैं। देखो यहाँ पे भाई, तुम्हारे भाई के पास चारकोल आ गया ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। लेट्स डू वन थिंग गाइस, यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने वाला ओवरऑल 12 टॉर्चेस, एंड इन 12 टॉर्चेस को अलग अलग जगहों पे लगा देते हैं अपने आइलैंड पे, क्योंकि भाई यहाँ पे कभी भी कुछ भी स्पॉन हो रहा है तो दिक्कत बहुत हो रही है। यहाँ के लिए काफी है, आप आ जाओ इधर, आपको मैं यहाँ लगाएगा, आपको मैं यहाँ लगाएगा, आपको मैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक सेंटर में, और एक यहाँ सेंटर पे लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो गाइस कुछ भी स्पॉन होने वाला नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ पर एक लगा देते हैं, इधर इधर एक लगा देते हैं, इधर एक लगा देते हैं, और जो बचे हुए 3 है ना उसमें मैं, इनफैक्ट गाइस एक काम करते हैं ना यार, इसको मैं यहाँ से ऊपर, इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे ना 2 कोल्स और पड़े हुए थे, अरे 6 टॉर्चेस और पड़ी है मेरे पास यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या मैं। यहाँ पर गाइस जैसे अभी रात होने वाली है ना, एकदम से मॉन्स्टर स्पॉन हो जाएंगे फिर से, और अपने क्वीन जैस्मिन पे दोबारा से हमला कर देंगे। क्वीन जैस्मिन जी, आप बस एक सेकंड का टाइम दो मेरे को, इधर आपकी जो केक की फैक्ट्री लग रही है उसके पास मैंने यहाँ पर ये लगा देता हूँ अच्छे तरीके से, हर जगह पे, ठीक है ना। सेंटर में तो मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो गएंगे नहीं भाई ये। लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो स्टोन के साथ मेरे को यहाँ पर बनाने अपने लिए स्टोन की ब्रिक्स, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा जरूरी। क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ओ ये स्लैब्स लगा के यहाँ पर ताकि फास्ट हम लोग चल सके। नाइस यार भाई, ये तो काफी सारा इंटेलिजेंट, इनफैक्ट आपने थोड़ा सा गलत लगा दिया क्वीन जैस्मिन जी। आई थिंक हम लोगों को ना इसकी जगह पे यहाँ पे स्टेयर्स लगाने पड़ेगा। आप एक काम करो ना, सुनो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा काम देता हूँ। अब अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ काम करना है तो लो, ये स्टेयर देख रहे हो जो मैंने फेंके भी नीचे, इसको उठाओ, इस सेम स्टेयर्स बना के ना आप हर जगह पे लगाओ जरा एक बारी, और फिर देखो आप यहाँ पे क्या फास्ट फास्ट हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है ना। आप इतना छोटू सा काम, वेट, ठीक है, ए ये कहां से आपके पास शुगर केन, ओ तभी मैं सोचू कि इनके पास ये केक कहां से बना, केक के लिए तो हम लोगों को चाहिए होती शुगर, ये कहां से आया, मुझे और चाहिए। अच्छा मैं समझ गया हूँ, पर ये आपको मिला कहाँ से, ये नीचे एक चेस्ट में आया था। अच्छा आपने क्या पता थोड़ा बहुत खोद दिया होगा जब मैं इसको बना रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। तो आप एक काम करो ना, आप इसको अपने इन्वेंटरी में रखो, जब तक हमारे पास सैंड्स वगैरह नहीं आती है ना तब तक हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे, और मे बी हम लोग इसको ग्रेवल पे उगा सकते। आप ये लो ना ग्रेवल, मैंने फेंकी यहाँ पे, इधर ग्रेवल पे इसको उगाने की ट्राई करो, बट मुझे लगता तो नहीं है कि ग्रेवल पे उगता शायद ये। चलिए गाइस, मैं तुम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पर अभी हम लोगों को ये बनाना है, जो दीवार है वो हम लोगों को इससे बनानी है, और मैंने यहाँ पर एक और गड़बड़ कर दी, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, है ना, और इसको तोड़कर अपने को यहाँ पे लगाने ओक के लॉग, और यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा एक बारी। और गाइस ये जो हमारी पूरी जगह, ये पूरी की पूरी जगह हम लोग यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स के साथ भरने वाले हैं, सिवाय एक चीज के, ठीक है ना। बीच में हम लोगों को विंडोज के लिए जगह छोड़नी है, उसके लिए मेरे को यार यहाँ पे ना ग्लासेस चाहिए, पर ग्लासेस के लिए मैं कहाँ से लेकर आऊँ भाई, मेरे को सैंड चाहिए ग्लासेस के लिए। तो गाइस ये काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये हमारा वन साइड क्लियर हो चुका है, दिस इज लुकिंग सो गुड डूड, लेट्स गो। और ये जो गाइस हमारी एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस भी हम लोग यहाँ पे, ये हमारी मेन एंट्रेंस है बाय द वे जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये है हमारी मेन एंट्रेंस घर के अंदर जाने की। ये वाला जो इलाका है ये तो हमारा लाइक बाहर वाला इलाका है, इसके लिए मेरे को ना यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो गाइस काम करते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारे फेंसेस वगैरह बनाकर इस जगह को मैं पूरा का पूरा ऐसे करके इसको मैं पूरा का पूरा बंद कर लेता। ओ सो गई है हमारी क्वीन जैस्मिन, नाइस यार। अब डायरेक्ट यहाँ पर स्किप वगैरह भी करे तो बढ़िया ही हो गया सबसे। हाँ ये हुई ना बात, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है भाई ये। थोड़े बाद मेरे को गाइस अभी और यहाँ पर एक कबल स्टोन्स वगैरह खोदने पड़े,
पड़ेंगे ताकि मैं इनको स्मेल्टिंग में लगाऊं एंड देन उसके बाद हम लोगों के पास और ही स्टोन की ब्रिक्स वगैरह बन सके। जैस्मिन जी आप काम कर रहे हो अच्छे तरीके से, दिखाओ जरा मेरे को। नहीं 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 मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको। हाँ ये देखो, ये सेंटर वाली जो आपने लाइन लगाई है भाई साहब, दिस इज गुड। सेम ऐसे करो ठीक है ना जैस्मिन जी, आपको स्टेज लगानी। ये रुको रुको रुको, ये इसकी जगह पे स्टेज लगेगी, स्टेज लगाओ इसकी जगह पे। ये हुई ना बात, देखो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहे हो बाय द वे। एंड यहाँ पर मेरे पास भाई नाइस यार, यहाँ पे आयरन वगैरह भी आना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और कोल और एक ब्राउन मशरूम मिला मेरे को, नाइस। आप टेंशन मत लो, मैं पूरा साथ दूंगी इस वर्ल्ड में आपका। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। आप मेरा साथ दोगे इस वर्ल्ड में तो मजा आ जाएगा। ये क्या है, कुछ कुछ तो है, कुछ तो। जल्दी 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 आओ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, जल्दी आओ जैस्मिन, जल्दी आओ यहाँ देखो। ये देखो जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो दो बनीज। आप बोले इनके नाम क्या क्या रखे जाए, जल्दी जल्दी बोले मेरे को है, इनके नाम क्या क्या रखे जाए, कितने क्यूट है ना ये। आ जाओ मेरा बनू बनू, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तू बाहर रह गया भाई, तेरे को क्या मैं अलग से इनविटेशन दूं क्या, इधर आ जल्दी मेरे पास आ। आ लिख रही है भाई, ये तो खुश होगी यार। आजा 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 आजा। अरे भाई तेरे को क्या चाहिए, आजा ना मेरे पास। किसको देख रहा है, आजा अंदर आ। शाबाश शाबाश। जैस्मिन जी सुनो, इधर आओ। कहाँ पे रखे इनको बताओ आप मेरे को, कितना प्यारा है वही। एग्जैक्टली यार, ये बहुत ज्यादा क्यूट है दोनों का। अच्छा जल्दी आ। इसको भाई कितना डिस्ट्रैक्शन है भाई इन बनीज को यार, एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड में डिस्ट्रैक्शन है भाई, बहुत ज्यादा है वो भी इनको। आजा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, देखो पागल की तरह मटक मटक का चल रहा है। आजा जल्दी अंदर आ, आजा 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 अंदर, आजा अंदर आ। शाबाश शाबाश, बंद कर लो। नाइस क्वीन जैस्मिन, आप समझ गए हो हमारी कंसाइनमेंट, हमको क्या करना होता। चलो अभी आप एक काम करो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। इसको खिलाऊंगा और दूसरा कहाँ है, और इसको खिलाऊंगा, देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला। अंदर देखो आप, अभी यहाँ पर आएगा एक छोटू बनी, छोटू बनी। लेट्स गो यार। ओके गाइस, हमारा ये वर्ल्ड काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, छोटू बनी लेट्स गो। पसंद आया आपको कि नहीं आया क्वीन जैस्मिन जी, सच से बताना आपने, बहुत नाइस। अब आप एक काम करो ना, इनका नाम क्या रखना भाई, जो भी आपको इनका नामकरण करना आप मुझे बता दो, हम लोग वही इनका नामकरण करेंगे। एक बार हमारे पास गाइस वो वाला नेम टैग वाला विलेजर आ जाए ना भाई, इन सारे के सारे जानवरों के नाम रख देंगे हम लोग, जो भी क्वीन जैस्मिन बोलने वाली है। तुम लोग भी गाइस मुझे सजेस्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है नीचे कमेंट्स में यार, कि तुम लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या क्या नाम रखें इनके भाई, जो तुम लोग बोलोगे हम लोग वो भी सुनने वाले अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे कुछ और आया, कुछ और आया। ओ एक और आ जाओ 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 जाओ, दो आए और। जैस्मिन जी इधर आओ जल्दी 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 आओ। आप एक काम करो ना, इन दोनों को आप ले जाओ यहाँ से, जाओ इन दोनों को ले जाओ, आप हाथ में अपने कैरेट रखो एंड देन आपके पीछे अट्रैक्ट हो जाएंगे। जाओ आराम आराम से जाओ। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, आराम आराम से लेके जाओ आप इनको ठीक है ना। एंड अरे यार इन्होंने यहाँ पे काम भी आधा छोड़ा हुआ यार, कसम से भाई बहुत डिस्ट्रक्शन है इनको भी, बहुत इजीली। यहाँ पर गाइस मैंने अपने लिए बस एक पिकेक्स लायक स्टोन्स निकाले हैं, थोड़े बहुत मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। इससे मैं अगेन बनाने वाला अपने लिए, 41 बन चुके भाई, ये कम पड़ जाएंगे यार, क्योंकि ना सारी की सारी जो दीवार है ना गाइस वो मेरे को स्टोन ब्रिक्स की बनानी है भाई, कैसे चलेगा भाई। पूरा का पूरा घर अगर मैंने वैसे लकड़े का बनाया ना और एक आग पकड़ ली भाई साहब, पूरा वर्ल्ड जल जाएगा मेरा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। क्वीन जैस्मिन बहुत दुखी हो जाएगी। गाइस मैंने अभी भी ध्यान दिया, मेरे को ना सबसे टॉप वाली लेयर को ऐसे ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग दूसरे ब्लॉक्स लगाने वाले हैं, तो थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हमारे बच जाएंगे अभी, देखो तुम लोग भाई। तो अब आ जाते गाइस हमारे इस साइड वाली दीवार को लगाने की, इसको मैं फटाफट ऐसे करके लगा देता हूँ। और यहाँ पर भी गाइस हम लोगों को ना विंडो के लिए जगह छोड़नी है, बस दैट्स इट। विंडो लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि व्यू तो भाई विंडो से ही दिखने वाला अपने को। एंड अब क्वीन जैस्मिन यहाँ पे सो के उठेगी सुबह सुबह, तो भाई उसको बाहर तो देखना ही होगा ना यार, अब बिना बाहर देखे तो कोई इंसान कैसे ही रह सकता है। चलो अब मैं सोचा गाइस यहाँ पर यार, अगर तो इतनी बड़ी विंडो मैं बना दूंगा, आए हाय हाय बहुत तगड़ा लगेगा गाइस ये विंडो, पूरी ऐसी विंडो बहुत अच्छी लगने वाली है, मैं इसको पूरा रखने वाला हूँ। और जो हमारी बैक साइड है ना, इस बैक साइड के लिए भी मैं, अरे खत्म हो गए ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स खत्म हो गए भाई। ओ माय गॉड, मेरे को तो कबलस्टोन जनरेटर की ही जरूरत है भाई सच्ची में। आ नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड वर्क, ये काफी अच्छा काम किया आपने। और यहाँ पर गलती से अगर कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन भी हो गया तो पानी से वो फटेगा भी नहीं आसपास का, है ना। बहुत अच्छा दिमाग लगाया क्वीन जैस्मिन ने बाय द वे, इंटेलिजेंट तो आप बहुत ज्यादा हो भाई, मानने वाली बात है। वेट, मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगाए हुए थे भाई, और शायद हाँ 13 ब्लॉक्स और है यहाँ पर, इन दो को भी डाल देते हैं यहाँ पर, सही है, बट ज्यादा नहीं है यार मेरे को गाइस, मेरे को कबलस्टोन चाहिए बहुत सारे यार। ओ चेस्ट है भाई इसके अंदर, ओ माय गॉड ब्रो, लावा की बकेट, लेट्स गो। और स्वीट बेरीज भाई है, जैस्मिन जी इधर आओ, एक काम करो जल्दी, मैंने स्वीट बेरीज फेंके नीचे, उठाओ जरा उसको एक बारी, स्वीट बेरीज फेंकी थी मैंने यहाँ पे, आ गई है ये, नाइस, इसको संभाल के रखो, ये स्वीट बेरी हमारे बहुत काम आने वाले, क्योंकि इससे हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं। यो
एक और आई अम्मू का, उसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ आप, इसको लेकर जाओ आप। जितने भी जानवर है सारा का सारा डिपार्टमेंट आपका, ठीक है। इनकी टेक केयर करना और इनको एक जगह पे रखना, ये सारा का सारा आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। बाकी का ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाने का, दिमाग लगाने का काम मेरा है सारा का सारा। चलो नाइस गाइस, काफी अच्छा टीम वर्क हो रहा है मेरा और क्वीन जैस्मिन का यार इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। आई एम हैप्पी ब्रो, सीरियसली बताऊं तो मैं। ओ मकड़ी भी मल्टीपल है, चल पकौड़ी यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी चल। और बाय द वे यहाँ पे अभी सुबह हो रही थी ना, इसीलिए इसने मेरे पे हमला नहीं किया। ओ माय गॉड, अगर रात को आती है ना भाई ये गलती से भी, तो अभी तक के लिए यहाँ पर क्वीन जैस्मिन तो भाग चुकी होती है यहाँ से। तो क्या चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कहीं पर मैं कबल स्टोन जनरेटर फटाफट बनाना स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मेरे को बस इस जगह को अच्छे तरीके से पहले एक बार यूं बंद करना पड़ेगा। ओ माई गॉड, आस पास यहाँ पर ना इतना, वेट भाई यहाँ पे ना लकड़ियाँ हैं बहुत सारी, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ भाई, सब आग लग जाएगी ना यहाँ पे, तो पूरा वर्ल्ड जल जाएगा मेरा, पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी मेरी कहानी यहाँ पे, है ना। इसीलिए गाइस मैं अभी काम करने वाला, इसके मैं स्लैब्स बनाने वाला, इसके मैं स्लैब्स बनाने वाला, ठीक है ना। इन दोनों के दोनों स्लैब से क्या करता है, थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इलाके पे चलते हैं बाहर के लिए, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक छोटू सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ऐसे करके बाहर के लिए, एंड यहाँ पर मैं कबल स्टोन जनरेटर बनाने वाला। भाई साहब रिस्क नहीं लेने का भैया, एक ही वर्ल्ड है, अगर इस वर्ल्ड को कुछ हुआ तो क्वीन जैस्मिन बड़ी रोने वाली है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ना डर्ट वगैरह एक्चुअली में बहुत पड़ी हुई है, एक्सेस में डर्ट्स वगैरह पड़ी हो तो यहाँ पर इतने में काफी होगा। जैस्मिन जी अभी आप नहाना मत, ये बहुत पतला सा रोड है, प्लीज गलती से भी नीचे नहीं गिरना आपको। इनफैक्ट आप एक काम करो ना, बरेंद्र आपसे क्या काम कराऊं यार मैं, आप बस मेरे, ठीक है दूर से देखो आप बस, ठीक है ना, आपको ज्यादा नजदीक आने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर देखो मेरे पास दो तीन स्टैक पड़े हैं भाई डर्ट के, डर्ट का इस्तेमाल करता है डर्ट्स, क्योंकि एक्चुअली में हर एक जैसे फेज हमारा चेंज होगा ना इस वन ब्लॉक का, उसमें हर एक में आने वाला है जितना मेरे को लगता है। और यहाँ पर हमारे पास ना वाटर बकेट भी मल्टीपल आ गई थी, लाइक वाटर बकेट। तो चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ देखो यहाँ ऊपर एक वाटर बकेट पड़ा हुआ था, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, आ जा भाई तू, और यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमको आई थिंक यहाँ पर एक छेद करना है, यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर एक छेद और एक यहाँ पर छेद करना है। तो यहाँ पर जाएगा हमारा पानी, और अगर मैं यहाँ पर गाइस लावा की बकेट को डालूंगा, साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, एक बारी आपने गलती से भी मरना नहीं है, ठीक है ना, आपने गलती से भी, वेट गलत कर रहा हूँ क्या मैं, मैंने उल्टा कर दिया क्या, आर यू श्योर, क्योंकि अगर ये उल्टा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप बोलो कि लावा को ऐसे फेंकना है और पानी को वहां फेंकना है, लेट मी चेक। ओ माय गॉड, क्या हो गया, मना क्यों कर रही है ये है? अरे थैंक यू सो मच भाई, अभी वेस्ट होने वाला था, आई थिंक यहाँ पे दो ब्लॉक्स का गैप आता राइट। अरे यार आप भाई बचा दिया, बचा दिया भाई, बचा दिया भाई, अपनी क्वीन जैस्मिन है इंटेलिजेंट, अपनी क्वीन जैस्मिन है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गाइस, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा इस बात के लिए। रुक एक बारी, मेरे को वापस से इसको एक बारी हाथ में उठा दो, मैं कंफ्यूज बहुत जा रहा हूँ ना भाई। तो यहाँ पर आई थिंक अगर मैं इसको यहाँ डालूंगा और इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा तो शायद से हो जाना चाहिए, शायद से बन जाना चाहिए ऐसे करके, और अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर बनता रहेगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, सा बचा दिया आपने क्वीन जैस्मिन जी। अब आप एक काम करो जैस्मिन जी, इधर आओ मैं आपको बताता हूँ, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बैठोगे और यहाँ पर जैसे जैसे कबल स्टोन्स वगैरह बनते रहेंगे आप बस उनको अपने इन्वेंटरी में लेते रहो, ठीक है ना। मेरे को अब यहाँ पर बहुत सारे कबल स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, आप ऐसे छोटा सा काम करो, मैं आपको ये पिकैक्स पकड़वा रहा हूँ, आपको मैं ये दो कबल स्टोन्स दे रहा हूँ आपको मैं, इनफैक्ट एक काम करता हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए क्राफ्टिंग टेबल लगा के रखे, ठीक है ना। तो आपको बार बार अगर यहाँ पर सपोज करो इसकी जरूरत पड़ेगी लाइक पिकैक्स की, तो आप निकालते रहना। लो मैंने आपको थोड़ा बहुत स्टिक्स भी दिया पिकैक्स बनाने के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा सा काम करो आप इधर यार, क्वीन जैस्मिन ने बोला है गाइस, तो मतलब यार मैं उनसे काम तभी करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्वीन जैस्मिन से काम करवा ऐसा हो नहीं सकता यार। और मेरे पास ना भाई यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पिकैक्स भी नहीं है यार, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने पास यहाँ पे खुद पिकैक्स नहीं, मैं क्वीन जैस्मिन को दे रहा हूँ सारा का सारा माल यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब एक काम करते हैं, एक नॉर्मल से पिकैक्स बनाता हूँ एंड थोड़े बहुत कबल स्टोन्स वगैरह और निकालता हूँ, एंड देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से मिलने आता हूँ क्वीन जैस्मिन से, एक दो स्टैक की जरूरत पड़ने वाली गाइस मेरे को अभी यहाँ पे एक्चुअली में। No! No, 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 no! मेरा सारा सामान गया, मेरा सारा सामान गया, मेरे इतने सारे वुड सारे चले गए। क्वीन जैस्मिन जी मैंने जो पूरे के पूरे चार या पांच कितने स्टैक्स ऑफ ब्लॉक्स निकाले हुए थे लकड़े के, वो सारे गए ब्रो, व्हाट द हेल। मैंने क्या किया, आराम से उठाना आपने इसको, बस आराम से उठाना आपने इसको सारा सामान को। शिट डूड व्हाट वाज दैट, अरे यार मेरे वो जो यहाँ पे डबल चेस्ट बनाई थी ना पूरी की पूरी जिसके अंदर वो सारी लकड़ियां थी सब गई, मैंने गलती, अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, मेरे इतनी लकड़ियां मैंने फार्म करी थी सब गई।
ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है अभी फिलहाल को इतनी लकड़ियों की तो मुझे जरूरत है भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं, ठीक है ना, होता है ऐसा, कोई बात नहीं। क्वीन जैस्मिन जी आप आराम से अपना काम करो यार, मेरे को अब इतना दुख हो रहा है भाई, मैं थोड़ा रो के आता हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना भाई। मच 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 लेटर। जैस्मिन जी आपने मेरे को बचा दिया। ओ भाई, अरे मैं सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए एफ के हो गया था। ऊपर देखो कहाँ गायब हो गए थे आप, कब से वेट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ऊपर देखो, ओ माय गॉड, सो जाओ, आप बेड पे सो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इनको मारना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी आप सो जाओ एक बारी। ये देखो मेरे पास क्या, कितने निकाले आपने दिखाओ जरा मेरे को एक बारी। ओ शिट, दो तीन स्टैक, साढ़े तीन स्टैक्स। अरे नाइस क्वीन जैस्मिन, यू आर अ रॉकस्टार डूड, आई एम टेलिंग यू भाई साहब। क्वीन जैस्मिन ने इतना काम कर दिया, और मैं तब से लेके भाई बाहर गया, मैं कुछ खा रहा था गाइस एक्चुअली में, और मेरे को जो ये है ना, ये चीज़ का जो मुझे दुख हुआ है ना भाई, मैं तुम लोगों को याद ही कर लो भाई, मेरे पास कितना ज़्यादा माल पड़ा था, अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है चार स्टैक बचे सिर्फ। बट इतने फिलहाल के लिए गाइस, आज का जो बिल्ड बुल्ड बनना है ना उसके लिए इतने भी काफी होंगे, बट मेन बात ये नहीं है ना, मेन बात ये है कि भैया मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे वो सब कुछ, सब गया भाई, सब गया। और मैंने यहाँ पे ना गाइस ये बर्च के जो पेड़ है ना भाई, इनको यहाँ पर लगा लगा के मैंने बहुत वेस्ट करवा दिया, क्योंकि बर्च वेस्ट नहीं कराना चाहिए था मेरे को एक्चुअली में। खैर छोड़ो गाइस, अब मेरे पास यहाँ पे फाइनली बहुत सारा माल आने वाला है, बहुत सारा स्टोन आने वाला है, ऑल थैंक्स टू आवर वन एंड ओनली क्वीन जैस्मिन। भाई रॉक स्टार है भाई ये बंदी, कसम से। अभी ना सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राणी ऊपर बचा हुआ जो कि ये बदसूरत है, तेरी पकौड़े, तेरे भाई ने किया था। भाई मैं नीचे कर सकता रहा यहाँ पे। अरे यार, एक तो ब्लॉक्स की कमी है, पहले ही ब्लॉक्स की कमी है भाई, ये क्या हो रहा है आज, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं। क्वीन जैस्मिन जी आप नीचे रहो, आप एक काम करो ना प्लीज, इस सीढ़ी को आप कंप्लीट कर दो, बाकी सब छोड़ो भाई आप, यार मेरे को डर लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, भाई साहब पिछवाड़े के बाद फटा है जो वो मेरे अभी, यार कसम से डूड्स। मेरे को ना गाइस अभी यहाँ पे बस इसको हटा के थोड़े बहुत लॉग्स नीचे निकालने पड़ेंगे। चलो जैस्मिन जी मैं आ रहा हूँ ऊपर, यार आप डरो मत, ठीक है ना, अभी ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा डरावना है मुझे पता है, बट इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसको मैं समय के साथ ठीक कर दूंगा, 100% बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, यार दिस इज नॉट गुड मैन। चलो यहाँ पर ये चार जो स्टेयर्स आई है, इन चार स्टेयर्स को मैं ऐसे ऐसे और ऐसे करके लगाएगा इधर के लिए, और इसको ऐसे लगाएंगे तो आई थिंक हमारा कंप्लीट होगा दोबारा से। चलो गाइस अब बैक साइड पे चलते हैं, और अब यहाँ पर इसको लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ बैक साइड के लिए भी गाइस। वैसे तो मेरे को यहाँ पे ना लगानी चाहिए विंडो वगैरह, बट विंडो बैक साइड के लिए फिलहाल को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर के बैक साइड पे फिलहाल को क्या ही दिखेगा यहाँ पे क्वीन जैस्मिन को, तुम लोग खुद देखो वॉइड है भाई और कुछ भी नहीं है। सामने की साइड पर एटलीस्ट मैं वर्ल्ड बनाऊंगा तो उसको दिखेगा ना, तो बढ़िया लगेगा। चलिए जैस्मिन जी बताए गाना दो इस कि मैं और सामान लेकर आता हूँ, आप बस मस्ती करते रहो ठीक है ना, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं है। ऑल राइट, अभी मेरे को यहाँ से गाइस अपने लिए वेट ब्रो, सारी चीजें खा ली है, ये वाली खा ली नहीं, बट मेरी जैस्मिन मेरी और तो नहीं फटका करीब पर यहाँ पे। हेलो वेट, ओ नाइस वन, वेरी नाइस, यहाँ देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गाइस लेबल कर दे ये खाने की चेस्ट, देखो सारा खाने वगैरह से रिलेटेड सामान है, ये वाली देखो हमारी यहाँ पे लकड़ियों वगैरह वाला सामान है, यहाँ पर हमारे ओक के लॉग्स वगैरह, ऊपर देखो ऊपर सारा फालतू वाला सामान है जो बोन्स वगैरह होगी, पिकैक्स वगैरह होगी। अरे नाइस वन, वेरी वेरी नाइस क्वीन जैस्मिन, आई एम सो इम्प्रेस्ड यार, बहुत बढ़िया। और देखो भाई यहाँ पर भी पेड़ वगैरह भी खोद रहे हैं, अरे भाई ये तो बहुत ही काम किया यार भाई, ये क्वीन जैस्मिन मैं मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी जगह की क्वीन है। एंड इनको देखो भाई यहाँ पर बेचारी ये मतलब मजदूरी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट यार मतलब काम कर रही है भाई, एंड पूरे मन लगा के काम कर रही है, पूरे हिमलैंड में और कोई नहीं आया भाई सीरीज के लिए सिवाय क्वीन जैस्मिन को, देखो तुम लोग कितनी ऑसम है, डाउन टू अर्थ भाई, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ।
ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बेसिक बन चुका है। यहाँ से ऊपर के लिए हमारी सीढ़ियाँ बनने वाली है, बट यहाँ से नीचे ना बहुत सारे स्केलेटन्स की आवाज आ रही है मेरे को, बहुत सारे स्केलेटन्स की। एक तो दिखी गया, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी इतनी हिम्मत तू हमारे इलाके में आएगा बेचे और हमें ही मारने की ट्राई करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। बाद में यहाँ पे रात हो रही है। जैस्मिन जी, आपने बहुत सारे फार्मिंग वगैरह कर दिया, आप मुझे बस एक बात बताओ, मुझे कबल स्टोन्स की जरूरत है, प्लीज मुझे दे दो कबल स्टोन्स वगैरह। कितने हैं आपके पास पड़े हुए? रियली, अरे मेरे पास स्टोन ब्रिक्स पड़ी हुई है ना। एक काम करो ना, आप सुनो क्वीन जैस्मिन जी, आप वेट, यहाँ पे आपने रखे हुए क्या कबल स्टोन्स? यो, वेर इज द कबल? ऑलमोस्ट दो स्टैक्स और है रखे हुए, वेरी नाइस। थोड़े बहुत अगर आप और खोद दोगे तो बेस्ट हो जाएगा, मैं सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़े बहुत और, बाकी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को भी यहाँ पे कहीं स्मेल्टिंग के लिए लगाते हैं। मेरे पास दो स्टैक्स पड़े हुए भाई ऑलमोस्ट यार इस चीज के, एंड कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई थिंक हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा कोल पड़ा है, नाइस, 10 चारकोल्स पड़े हुए हैं, एंड आई थिंक गाइस 10 चारकोल इज मोर देन इनफ इस चीज के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा कम हो जाएगा, चलो कोई इसको तो बाद में लगा देंगे हम लोग ना। थोड़े बाद में ब्लॉक्स वगैरह भी खोदता रहता हूँ साथ साथ में गाइस, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारा घर कंप्लीट होने वाला है। तब तक यहाँ पे क्वीन जैस्मिन जी और बहुत सारे हमारे लिए कबल स्टोन्स वगैरह खोदने वाले। नाइस ब्रो, भाई मजा आने वाला आगे चल के बाद में, तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं क्या ऐसा बनाऊं गाइस, बताओ तुम लोग। मैं तो बोलूंगा कमेंट मारो भाई, जितने तगड़े कमेंट तुम लोग कर सकते करो यार, मुझे कुछ टिप्स वगैरह दो यार, मैं क्या करूं ऐसा क्वीन जैस्मिन जी से खुश हो जाए। समझ रहे हो तुम लोग भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार? क्वीन जैस्मिन को खुश करना है मैंने किसी भी हालत में। अरे अरे, सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, एक बार सोना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रात होगी तो ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर जाएंगे। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, फिलहाल को मैं आ चुका अपना सामान वगैरह लेकर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, तो गाइस अब एक काम करते हैं, फटाफट इस ऊपर वाले फ्लोर को यहाँ पर कंप्लीट करना स्टार्ट कर लेते हैं मैन। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक तो मैंने कर दी है कि, बट कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मैं इस टाइप की विंडोज़ वगैरह भी चढ़ा देता हूँ, क्योंकि विंडोज़ हर जगह पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ गाइज अभी ना एक ही चीज़ की कमी यहाँ पर मेरे पास, और वो चीज़ क्या है पता तुम लोगों को? वो चीज़ है गाइज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लैंटर्न्स एंड डिटेलिंग के लिए छोटी मोटी चीज़ों की कमी है बस, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक काम करते हैं, मेरे को दूसरे वाले पेड़ की जरूरत पड़ने वाले गाइज, अभी दूसरे वाले जो पेड़ है ना उन पेड़ की मेरे को ट्रैप डोर्स की जरूरत है। तुम लोग देखो भाई अभी ये फिनिशिंग टच देने वाला तुम्हारा भाई, बहुत तगड़े वाला यहाँ पे। नाइस, यहाँ पर बहुत सारे है। नाइस यार, इसने यार बहुत तगड़ा काम किया। ओ माय गॉड ब्रो, बहुत मजा आने वाला है। क्वीन जैस्मिन, आपने ऊपर मत देखना ठीक है ना, आप नजर तो नहीं मारे बार बार ऊपर के लिए, मुझे इतना बता दो आप एक बारी, पक्का आपने नहीं देखा ना, मुझे प्लीज कंफर्म बताओ एक बारी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ इस घर के साथ। बताओ जल्दी बताओ मेरे को, नहीं देखा? नाइस, वेरी नाइस। सी आई वॉन्ट कि आप एक्चुअली में ना देखो ठीक है ना, मेरे को बहुत दुख हो जाएगा नहीं तो यार, अगर आप देख लोगे पहले ही तो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हुआ इस चीज को। एंड आई थिंक मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी शायद से, घर थोड़ा टुंडा लग रहा है मेरे को यार, जो मैंने सोचा हुआ था ना एग्जैक्टली उसी राज, बट कोई नहीं, इसको यहाँ पे लगा के रख। वेयर इज माई थिंग, इसको उठा रहे भाई, ये क्राफ्टिंग टेबल की बड़ी वो है यार, बस एक कमी है भाई इस टाइप के वर्ल्ड्स के अंदर, मैं 500 क्राफ्टिंग टेबल बना के हर जगह पे लगाता रहता हूँ, वो मैंने इस बार नहीं करना पक्का से। तो आ जाओ गाइस, यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं, हमें चाहिए बहुत सारे ट्रैप डोर्स। ओवरऑल कितने आएंगे? 14 तो कम है भाई। एक काम करो, इनसे मैं बहुत सारे बनाने वाला हूँ, 26 बना के देखते एक बार, है ना, यूं करके। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हर एक जगह पे ना ये काम आने वाला है, यूं करके। ये रखो भाई, थोड़ी लुक चेंज हो जाती है भाई, घरों की लुक चेंज हो जाती है 100%, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके ना मुंह की डायरेक्शन में को चेंज करनी पड़ेगी, इसको आई थिंक मेरे को ऊपर के लिए लगाना चाहिए ऐसे करके, नाइस। और जो हमारी ये वाली साइड है ना, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के लिए हर जगह पे इसको लगाने वाले ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने वाला है। और इसको भी हटा दे भाई, और इसको भी अपन लगाएंगे इस साइड से, नाइस ब्रो। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स बनाने वाला हूँ, बिकॉज खिड़कियों के ऊपर ना स्टेयर्स ऐसे करके अच्छी लगती है। अब इस साइड तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि इस साइड के लिए हैंड इनफेक्ट काम करते हैं ना, यहाँ पे हर जगह पे मैं यूं लगाता हूँ। नाइस ब्रो, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से ऊपर चले एक बारी, और इसको ना मैं उल्टा लगा दूँ यहाँ पे ऐसे करके। थोड़ा बहुत लुक तो मार रहा है भाई, लुकिंग बेटर।
अभी गाइस हम लोग एक और बहुत ही बड़ी चीज का सैक्रिफाइस करने वाले वेट आई डिड नॉट मेक वन थिंग गाइस, जो कि ये पेड़, एक भी मैंने दरवाजा नहीं बनाया फिलहाल का, है ना। दरवाजे को बनाएंगे वो भी इसी के साथ। गाइस मेरे को बस यहाँ पर अपने लिए चाहिए एक ही चीज़, जो कि है बहुत सारी सैंड वगैरह। यार सैंड की जरूरत, और मैंने ना इसको गलत लगाया हुआ है। ये जो दरवाजे होते हैं ना गाइस, ये ना अंदर की साइड से होने चाहिए लगे हुए एक्चुअली में। इसको अपन यहाँ से अंदर की अरे क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ये मैं बोल रहा था इसको अंदर की साइड से यूं लगाएंगे तो ये ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। बाकी गाइस देखो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मेरा नहीं है, क्योंकि घर हमारी क्वीन जैस्मिन का है, तो भैया इंटीरियर डिजाइनिंग का काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन जैस्मिन करने वाला है। ये वाला जो दरवाजा है ये बाहर से ही हमारा अच्छा लगने वाला है ऐसे करके। यस तो गाइस अभी ना एक 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 महंगी बातचीत करने वाला हूँ मैं। इनफैक्ट रुको यार एक बारी ब्रो, दिस इज सो अनोइंग, यहाँ से मैं पक्का नीचे गिरने वाला हूँ, और क्वीन जैस्मिन तो पक्का ही गिर जाएगी यहाँ से नीचे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा बहुत जल्द, तो उससे बढ़िया है यहाँ पर मैं ये फेंसेस लेने इसको कवर कर लेता हूँ ये। एंड वेयर इज द थिंग, रुको एक बारी, पहले इसको यूं करके कवर कर दे तू पूरा का पूरा। एंड यहाँ पर गाइस अभी इसको लगा दे इधर के लिए, बस दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अब इससे गाइस क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट हमें पता होगा कि भाई एंट्रेंस हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना भाई। और सीढ़ियां भाई टेढ़ी मेढ़ी लगा के रखी हुई अपनी क्वीन जैस्मिन ने यार, सीरियसली डूड, इनको भी थोड़ा थोड़ा सीधा मैं कर लेता हूँ। आ जा भाई इधर आ जा, और तू भी इधर आ जा, लेट्स गो। ये है गाइस हमारी एंट्रेंस, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है ऊपर आने के लिए। फ्यू अभी तो बहुत काम करना है इस वर्ल्ड के अंदर। केक भी खाते हैं जो हमारी क्वीन जैस्मिन ने बनाया हुआ इतने प्यार से हमारे लिए यार, है ना, कितनी प्यारी है भाई ये, बहुत ज़रा प्यारी है। ओ शिट डूड ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैं अपने इसके साथ अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स ऐसा बना पाता यार, तो क्या ही मजा आता। बट हमारे वर्ल्ड धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है भाई, आई एम सो हैप्पी यार। ओ नाइस, ये भी इन्होंने एकदम सही किया हुआ यार, यहाँ पे एक छोटी ऐसी प्रोटेक्शन टाइप बनाई हुई है। इसको भी मैं चेंज करूंगा फ्यूचर में पक्का 110%। ये यहाँ पर होगा मेरे सामने, तो ये उग रहे हैं ना गाइस, तो इनको साथ साथ में उठाते रहते हैं, ठीक है, इनको उठाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मुझे वो चीज मिलेगी, क्वीन जैस्मिन जी आयरन कहाँ पे रखा है आपने, आप मुझे बता सकते हो क्या? हाँ यहाँ मेरे को मिल गया, मुझे ना दो आयरन की जरूरत है एक्चुअली में अभी यहाँ पे गाइस। बाय द वे हमारे बहुत ही कमी है आयरन की, बट यार मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना क्वीन जैस्मिन के लिए, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी कंजूसी ना हो उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे इसकी जरूरत पड़ने वाले फिलहाल को, फटाफट उठाओ भाई। एंड आई थिंक मेरे इन्वेंटर पे स्पेस नहीं है एज यूजुअल भाई साहब, मेरे को दे दो जैस्मिन जी, मेरे को दे दो जल्दी, मैं आपको बस कंप्लीट करके फटाफट पकड़ाता हूँ, फिर क्या बोलते हो आप, है ना। 64 लीव्स मुझे आई थिंक एक और जगह पे स्पेस बनानी पड़ेगी, है दो 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 स्टैक बन जाएंगे इसके, काफी हो जाएगा फिर। चलो आ जा, बहुत बढ़िया। आई थिंक दो स्टैक्स ऑलमोस्ट निकाल दिए मैंने, और इसी के साथ दो स्टैक्स कंप्लीट होते हुए लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ओह यस, हाँ वेर इज द थिंग, आ जा भाई। इसको ना गाइस यहाँ पर लगाना भी जरूरी है, ये भी अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एंड जो हमारी ये लीव्स है ना, ये यहाँ से ऊपर के लिए अच्छी लगेगी, यहाँ पे लेट्स गो, इसके टॉप पर भी अच्छी लगेगी ये। एंड यही जो हमारी लीव्स वगैरह गाइस, इन्हीं लीव्स को ना मैं इस साइड के लिए लगाने वाला हूँ। आई थिंक अंदर भी अच्छी लगेगी लीव्स, है ना, थोड़ी बहुत ना ऐसे ग्रीनरी टाइप अच्छी लगती है हमेशा घरों के अंदर यार। यस यहाँ पर ये ठीक लग रही है मतलब। बाकी फिलहाल को गाइस ये पूरा का पूरा ऐसे खाली खाली तुम लोगों को लग रहा होगा घर, बट टेंशन नॉट, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हमारी क्वीन जैस्मिन काफी अच्छे से जानती होगी 100%, मैं जानता हूँ। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर हम लोग हर जगह पे लीव्स को लगाने वाले हैं। एंड ये लगने वाली अच्छी लीव्स भाई, एक्चुअली में ये बढ़िया लगेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे दरवाजे है इनके पास में लीव्स ऐसे करके, लेट्स गो, ठीक लग रही है ना। हाँ भाई जे, लेट्स गो। देखिए एक छोटी सी चीज को ऐड करने के बाद थोड़ा सा बेटर लग गया बिल्ड हमारा। आप सोचो यहाँ पर मैं वाइन्स ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं इन फालतू के टॉर्चेस की जगह पे गाइस जब मैं यहाँ पे लैंटर्न्स ऐड करूंगा तो क्या लगेगा भाई। बस अभी मैं एक काम करने वाला, जो मैंने ये लगाया हुआ ना इन्होंने क्वीन जैस्मिन ने, इनको मैं सीधा करने वाला, बस इन्होंने तिरछे मिर्चे लगाए हुए हैं सारे के सारे, सीढ़ियों को मैं सीधा करता हूँ गाइस। आई थिंक हमारा बिल्ड उसके बाद घर वाला कंप्लीट होना चाहिए, और आई थिंक क्वीन जैस्मिन खुश हो जाएगी इस घर को देखकर यार। और इसी के साथ हमारे ये स्टेयर्स वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई एम सो हैप्पी। बस यहाँ पर बस अरे परे को ना जाइए, रुको सोना नहीं क्वीन जैस्मिन, रुको सोने की जरूरत ही नहीं। अरे आप अपना बेड लेकर आओ इधर, समझे नहीं आप, तभी मैं रात होने का वेट कर रहा था। अपना बेड लेकर आओ तो सही एक बारी, फिर देखो आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। जल्दी आओ, बेड लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, लेकर आ गए आप,
हैं? Are you ready? Are you ready to see your final house? अब आपने decide करना है कि आपका कौन सा वाला floor होगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ Queen Jasmine जी, घूम के आओ, सामने को देखना, घूम के आओ आप, आंखें बंद में आपके करवा नहीं सकता ना गेम के अंदर, इसीलिए चलो आ जाओ बस ठीक है अब आप थोड़ा बस मेरे डायरेक्शन में इधर को आओ, जहाँ को मैं जा रहा हूँ इधर को आओ और यहाँ से आप पीछे को जाओ और पीछे जाओ दरवाजा खुल चुका, अंदर जाओ शाबाश, जाओ बहुत बढ़िया कैसा लगा आपको ये वाला घर हमारा, लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पे ना कोई डिजाइनिंग वगैरह रंग की हुई नहीं है, बट यहाँ पे आप इधर आओ, एक बारी ऊपर जाना स्टार्ट करो आप लोग, आ जाओ मैं आपके लिए एक छोटा सा स्टेयर के सिस्टम ऐसे बना देता हूँ ना, जाओ आप एक बार इधर ऊपर एंड तब देखो आप ऊपर क्या। बैठ नीचे लगा दो चलो वापस जाओ आप, चल नीचे सो जाओ भाई, होम टूर बाहर में देता हूँ मैं आपको एक बार। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल वाज दैट ब्रो। आ जाओ जैस्मिन जी, आई थिंक अभी के लिए सारे के सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाने चाहिए, नहीं गायब होंगे तो मैं आप पेल दूंगा उनको भाई, ऊपर जाके आप टेंशन मत, आ जाओ कम ऑन। ये फिलहाल को स्टेयर के सिस्टम भी हम लोगों ने ऐसे जुगाड़ वाला ही बनाया हुआ है, कम अपस्टेयर्स आप ऊपर जाके चेक करो अगर पूरी की पूरी जगह को, मैं इस स्टेयर के सिस्टम को बेटर बनाता हूँ, तब तक के लिए लेट्स गो। आई थिंक इतना बढ़िया है, यही बढ़िया लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है। चलो कैसा लगा जैस्मिन जी, कैसा लगा? यहाँ से देखो पूरा व्यू है, ठीक है ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो मैंने इस जो हमारी ये बालकनी इसको मैं थोड़ा एक ब्लॉक आगे भी खिसका सकता हूँ, ये कितना अच्छा है। लेट्स गो, पसंद है आपको पक्का? आर यू श्योर? जल्दी तो हाँ, लेट्स गो। बहुत ज्यादा लिख रही क्वीन जैस्मिन, सो स्वीट ऑफ यू मैन, थैंक यू सो मच, आपने मतलब इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, हालांकि उतना अच्छा था नहीं, मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई। ओह माय गॉड भाई, ब्रो आर यू सीरियस? Oh my God. मतलब मैं काफी ज्यादा सिंपिंग कर रहा हूँ गाइस, बट यार तुम लोग खुद सोचो भाई, ये कौन है? ये क्वीन जैस्मिन है भाई, मजाक नहीं हो रहा कोई। पर यार अगर मैंने इसको ऐसे, गंदा लग रहा है यार, मेरे को पीछे लगाना पड़ेगा इसको। पर एक चीज बताओ, आप बताओ पूछो जल्दी पूछो, आप जो आप पूछोगे उसका सही से जवाब दूंगा मैं अभी भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं। क्वीन जैस्मिन जी आप कहाँ रहोगे? अरे जैस्मिन जी आप महलों में रहोगे चलेगा, हम तो सड़क छाप इंसान है, हम तो सड़क पे भी रह लेंगे, आप टेंशन मत लो मेरी, ठीक है ना, मैं कहीं भी रह लूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और बाय द वे ये ना फेंस इधर के लिए ही काफी है, आप यहाँ पे FI में देख सकते हो नीचे के लिए, ठीक है, मैं आपको काम करता हूँ नीचे 110% आराम से दिख जाऊंगा, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हो, आप आराम से यहाँ पर लाइक व्यायाम वगैरह भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है, मैं तो अपने लिए कहीं भी घर बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। जैस्मिन जी आप अपने नए घर को एंजॉय कीजिए, यहाँ पर बस एक ब्रेड है, दो इनफैक्ट तीन ब्रेड पड़ी है, मैं इन तीनों के तीनों ब्रेडों को ले रहा हूँ बस, दैट्स इट। आप भी पास में घर बनाना, पास में बनाऊ मैं आपके, पक्का? आर यू श्योर? ठीक है डन है, मैं काम करूंगा, मैं आप ही के इस बड़े से महल जैसे घर के आसपास ना कहीं पर बढ़िया घर बना दूंगा। बट आपने एक चीज का ध्यान देना जैस्मिन जी, ये बैक साइड अभी फिलहाल को जाना, ठीक है, क्योंकि नीचे के लिए सेफ्टी नहीं है, आप मर सकते हो, ठीक है ना, नीचे करके आप जाओ घर के अंदर अभी आराम से। क्या लिख रही है? आप कितने अच्छे हो, आपने इतना बड़ा घर बनाया मेरे लिए, अरे टेंशन की क्या बात है क्वीन जैस्मिन, आप तो क्वीन हो यार, हमारे हिमलैंड्स की क्वीन हो आप यार, तो मजाक है क्या? आपके लिए मैं नहीं बनाऊंगा तो और किसके लिए बनाऊंगा? ओ माय गॉड भाई, दूर से भी अच्छा लग रहा है यार, दूर से भी अच्छा लग रहा है, काफी ज़रा प्यारा बना है। अभी क्या करना गाइस, मैं सोच रहा हूँ जैस्मिन जी, मैं सोचो ना आपको जो आइलैंड जैसा मैंने बनाया हुआ है ना, इसी के नीचे मैं पिलर्स वगैरह उगाने वाला बहुत सारा, फिर इसका मैं नीचे फ्लोर लाइक इसके जो नीचे वाला बेसमेंट होगा ना इसका, वहां भी मैं कुछ ना कुछ बनाने वाला हूँ, मैं आपको दे सकती हूँ क्या? अच्छा वो बोलिए मैं आपको देख सकती हूँ, ओके नाइस, हाँ आप मेरे को वहां से आराम से देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर, आप उनसे पूछ रहे हो ना मैं कहाँ रहूंगा, अरे मैं तो यहाँ रह लूंगा जानवरों के साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन जानवरों के साथ भी रह लेंगे, आप ऊपर महलों में आराम करो, ठीक है ना। अरे नहीं वो एनिमल्स की जगह है, नहीं नहीं अरे मुझे पता है वो एनिमल्स की जगह, बट उससे अच्छा आप मेरे घर में रह लो। What? नहीं मेरे साथ, नहीं बिल्कुल ही क्वीन जैस्मिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता यार, बिल्कुल नहीं। वैसे तो ये मुझे अजीब ही लग रहा है सुनकर ही, बट ऐसे भी मैं आपके साथ नहीं रह सकता भाई, मैं बहुत शर्मिला इंसान हूँ, मैं जितनी मर्जी सिंपिंग कर लूँ मैं नहीं रह सकता भाई किसी लड़की लुड़की के साथ, बिल्कुल भी नहीं भाई, है ना। आप एक काम करो आप ऊपर आराम से रहिए, अरे आ जाइए आपने बनाया है घर, नहीं आप रहिए ऊपर, आपके लिए मैंने घर बनाया हुआ है ऊपर टॉप वाले फ्लोर में, आप जाओगे ना तो मैंने ये वाले जो साइड है ना जहाँ को मैं देख रहा हूँ अभी, उस साइड के लिए भी मैंने वहाँ पर आपके लिए खिड़कियाँ वगैरह बनाई हुई है, आराम से आप
अपने व्यू को देख सकते हो ऊपर से, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। अरे भाई इसको क्या हो गया? हेलो, ओए ये बड़ा अजीब है भाई साहब। खैर छोड़ो भाई इसको। गाइस आज हम लोग इस एपिसोड के यहीं पे रखने वाले, इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, यस जैस्मिन जी कैसा लगा ऊपर? बढ़िया है ना एकदम। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ज्यादा आगे मत आओ, मैं सेफ्टी लगा दूंगा आगे अगली बार के लिए, ठीक है ना? आपस नीचे मत गिरना गलती से भी। तो चलो ठीक है गाइस, अगर तुम लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करना, लाइक एंड जरूर कंप्लीट करना गाइस। एंड क्वीन जैस्मिन जी लिख रही है बहुत अच्छा घर है, स्मार्टी जी की जय हो भाई। अब क्वीन जैस्मिन ने बोला तो तुम लोग भी स्मार्टी जी की जय हो, लिखी दो भाई कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हो। चलो गाइस मिलते तुम लोग के साथ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब से ऑसम गाइस, बाय 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 बाय। क्वीन जैस्मिन बाय बाय बोलेगा तुम लोगों को, बाय बाय भी लिखी दो भाई कमेंट सेक्शन में, बाय बाय।